मुझे तो बिल्कुल भी नहीं था हैबिट, बट घर का खाना बन जाता तो वही काफी रहता था। अच्छा, तो अब तो आदत हो गया। हमको लगता है ये बिहार का नंबर वन ब्लॉगर है फूड में, और इनका जितना भी ब्लॉगर रहता है वो गरीब आदमी को नीचे से ऊपर तक उठाते हैं। मतलब बहुत सही सा वाइब है यहाँ का। ये गाना वाना सुनते हुए बिरयानी को खाइए, और अब हम लोग थोड़ा सा ये कबाब जो है वो ट्राई करते हैं। देखिए, रात के 12 बजे तक हमारा यही खाने बनाने का रूटीन रहता है और खाना खिलाने का। मतलब सुबह के 8 बजे से आप लोग इस काम में लगे हैं। पिछले 10-12 साल से आप एटेक में थे। जी हाँ सर। कौन कौन से कंपनी में रह चुके हैं? सर, मैंने अभी रिसेंटली अनअकैडमी में काम किया है, उससे पहले मैं आकाश में था। अच्छा अच्छा। फिर उससे पहले मैं टॉपर में था, मेरिट नेशन में था। सर, अर्श से फर्श पे आए हैं, अब फर्श से अर्श पे जाना है। क्या बात है। तो बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है जब हमारा लाइफ बिल्कुल सही चल रहा हो, सब कुछ परफेक्ट चल रहा हो, लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, और अचानक से एक ऐसा ट्विस्ट आता है कि पूरा लाइफ रातों रात चेंज हो जाता है। और आज ऐसे ही एक कपल के बारे में आपको बताने वाले हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। फिलहाल हम लोग हैं मरीन ड्राइव पर, मरीन ड्राइव के पास हम लोग खड़े हैं, और आज एक बहुत ही इंस्पिरेशनल वीडियो होने वाला है। ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग सा कहानी है इनका, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल सा स्टोरी। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका कि अचानक से जॉब चला जाता है, बिजनेस बंद हो जाता है, कुछ लाइफ में ऐसा दिक्कत आ जाता है जिस वजह से कि सब कुछ सीधे टॉप से ज़ीरो पर आ जाए, बट वो लोग मतलब उस चीज़ से उभर नहीं पाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स को फेस करने लगते हैं। लेकिन आज हम लोग जिनके बारे में आपको बताने वाले, उनके लाइफ में भी ऐसा ही कुछ आया था, बट वो उस चीज़ से हार नहीं माने, बाउंस बैक किए, और अभी फ़िलहाल वो मरीन ड्राइव के पास बिरयानी बना के बेच रहे हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले चलते हैं उनके घर पर, जो मेकिंग वाला प्रोसेस है बिरयानी का वो आपको दिखाएंगे, और वहीं पर थोड़ा उनसे बात करेंगे, उनका जो स्टोरी है वो आपको बताएंगे। उसके बाद वापस से हम लोग मरीन ड्राइव पर आएंगे, और फिर जो सारा सेटअप वटअप है वो यहाँ लगेगा, बिरयानी को टेस्ट करेंगे और उसका टेस्ट हम लोग बताएंगे। और जब वापस आएंगे तब आके लोकेशन भी आपको, एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो बताएंगे। वैसे डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल्स है वो डाला हुआ है। तो अभी हम लोग इनके घर पर आ चुके हैं, और यहाँ जो बिरयानी का मैरिनेशन वाला काम है वो स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले क्या डाले हैं? दही। हाँ सर, दही डाला है। ठीक है। हल्का सा नींबू भी डाला है। अच्छा, दही और नींबू डल चुका है जी, और अभी नमक डाल रहे हैं सर। ठीक है, नेक्स्ट जो है जा रहा है नमक। तो आप लोग बता रहे थे कि आप लोग 2 घंटे तक पहले मैरिनेट करते हैं चिकन को। जी हाँ सर, बिल्कुल सर, 2 घंटे मैरिनेट करते हैं सर, सो दैट टेंडर और जूसी हो जाए पीसेस। अच्छा अच्छा। फिर अभी हल्दी जा रहा है। ठीक है। और कितने क्वांटिटी में आज बन रहा है बिरयानी? सर 5 kg। 5 kg। जी हाँ सर। अभी ये मिर्च जा रहा है सर, लाल मिर्च। ये बिरयानी मतलब किस स्टाइल का होता है? कोलकाता हैदराबादी मुरादाबादी? सर ये ब्लेंड है एक्चुअली। अच्छा। कोलकाता और मुरादाबादी का ब्लेंड कह सकते हैं, या फिर एक कस्टमाइज्ड बिरयानी कह सकते हैं, जिसमें ना ही आलू होता है ना ही अंडा होता है सर। तो ये मतलब आपका अपना वर्जन है? जी हाँ सर। जी हाँ। ये क्या डाले सर? ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, और उसके पहले क्या गया था? और उसमें मिर्च भी है सर। उसके पहले क्या गया था? इससे पहले सर हल्का सा हमने धनिया पाउडर। धनिया पाउडर। ठीक। और लगभग 2 घंटे के लिए इसे छोड़ना है, 2 घंटे तक मैरिनेट होगा, उसके बाद बाकी का प्रोसेस स्टार्ट होगा। जी हाँ। इस तरीके से प्लास्टिक के बॉक्स में इसको रखना है? जी हाँ सर, इसको रख के इसको थोड़ी देर और फ्रिज में भी रख देते हैं, सो दैट अच्छे से मैरिनेट हो जाए। नेक्स्ट, ये किस चीज़ के लिए मैरिनेशन हो रहा है? सर ये टिक्का, चिकन टिक्का के लिए। अच्छा, आप लोग चिकन टिक्का भी रखते हैं और बिरयानी भी रखते हैं? जी हाँ सर, दोनों। अब जा रहा है इसमें दही। यस सर। बता रहे थे कि एक और कुछ एग टिक्का भी रखते हैं। यस सर, हम एग टिक्का भी रखते हैं सर। अच्छा, तो आज आपको एक और यूनिक सा चीज़ भी दिखाने वाला है, एग टिक्का, जो कि पटना में तो कहीं नहीं मिलता है। और पनीर टिक्का भी रखते हैं सर। हाँ। और कलेजी पथरी भी रखते हैं। अच्छा, ये गया नेक्स्ट, हल्दी फिर धनिया। जी। नेक्स्ट जा रहा है लाल मिर्च। नेक्स्ट इसे इस तरह से कवर करके छोड़ देना है। तो लगभग 1.5 घंटे का समय जो है बीत चुका है, मैरिनेशन अब प्रॉपर हो चुका होगा, और अब जो बिरयानी बनाने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रहा है। इधर देख सकते हैं कि कढ़ाई को चढ़ा दिया गया है, और सबसे पहले क्या होने वाला है? सर तेल डालेंगे सर। अच्छा, सबसे पहले प्याज को फ्राई करना है। हाँ, बरिस्ता फ्राई करेंगे। ठीक है। ये सरसों के तेल में ही होता है? जी सर। हाँ बस हो गया, थोड़ा सा। तो प्याज जो है फ्राई हो चुका है, गरम मसाला सारा, तेज पत्ता, ठीक है, दालचीनी, जीरा, बड़ी इलायची, जावित्री, हरे लाल मिर्च। अब जो है प्याज आ गया। अब सर प्याज आ गया। सर शुरू से सर पिछले 12-13 सालों से मैं प्राइवेट जॉब में ही था। अच्छा। एडटेक इंडस्ट्री में था, पहले दिल्ली में था, फिर पटना भी पिछले 5 साल पहले आया।
ठीक है। रिसेंटली मैं अनअकैडमी में एज अ सेल्स मैनेजर वर्किंग था। अच्छा अच्छा। तो अभी जैसा आपको पता ही है सर, ले ऑफ के सीजन चल रहे हैं। हाँ। तो इस सीजन में मेरा भी ले ऑफ हो गया। अच्छा। तो अचानक एक दिन वाइफ ने बिरयानी बनाई थी, तो बहुत पसंद आई मुझे बिरयानी। तो हमने सोचा जब कुछ करना ही है तो क्यों ना बिरयानी से ही स्टार्ट किया जाए। और सिंस केवल बिरयानी नहीं रख सकते, एक सिंगल एंटिटी हो जाती है, इस वजह से कबाब भी हमने जो चिकन टिक्का वगैरह भी रखना शुरू कर दिया सर। टिक्का, पनीर टिक्का, ये सारा कुछ। मतलब पिछले 10-12 साल से आप एटेक में थे? जी हाँ सर। कौन कौन से कंपनी में रह चुके हैं? सर मैंने अभी रिसेंटली अनअकैडमी में काम किया है, उससे पहले मैं आकाश में था। अच्छा अच्छा। फिर उससे पहले मैं टॉपर में था, मेरिट नेशन में था, ये सारी कंपनी से जहाँ मैंने काम किया है सर। तो आप इतने साल से इस फील्ड में, तो सैलरी वगैरह भी आपका अच्छा होगा? जी हाँ सर, रिसेंट लास्ट सैलरी मेरी 12.5 लाख का पैकेज था सर। 12.5 लाख का पैकेज था, उसको छोड़ के मतलब अब आप इस चीज़ में आ चुके हैं, बिरयानी वाले फील्ड में? जी करेक्ट सर। अच्छा। अब मतलब हेजिटेशन वगैरह नहीं हो रहा है कि ऐसे आप वो प्रॉपर एक हाई प्रोफाइल जॉब में थे, उसके बाद अब इस तरह से स्ट्रीट पे करो कि बिरयानी बेचना? सर पटना में थोड़ा इस सब चीज़ को बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव सोच है। जी है तो सही सर, वही सोच बदलनी है सर, तभी तो हमारा बिहार बदलेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो आप मतलब ये इंटरेस्ट था इस फील्ड में या जॉब गया इस वजह से आए? सर फूडी तो मैं शुरू से रहा हूँ। अच्छा। खाने से रिलेटेड जब हमारी शादी हुई थी तभी हमने प्लान किया था कि आगे जाके एक रेस्टोरेंट ओपन करेंगे। अच्छा। बट ये नहीं पता था इस तरीके से शुरुआत होगी। प्लान ये चीज का था, शुरू से ही था। बिल्कुल सर। अब एक रीजन मिल गया उसको एग्जीक्यूट करने का। करेक्ट सर, बिल्कुल। अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट। अच्छा, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। तो आप बता रहे थे कि सडनली मतलब आप लोगों को बताया गया कि इस तरह से जॉब से अब निकलना है? जी हाँ सर। पहले तो कुछ वार्निंग वगैरह नहीं दिया गया था? 48 घंटे पहले सर एक बार बताया गया था, किसी की जॉब जा सकती है। अच्छा। बट मेरी ही जाएगी सर, ये पता तो उसी दिन चला जिस दिन जॉब गई। और आप बता भी रहे थे कि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था पटना रीजन में। जी हाँ सर, बिल्कुल सर। नेक्स्ट गया है थोड़ा सा नमक और हल्दी, और नेक्स्ट ये धनिया पाउडर। धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च क्योंकि ऑलरेडी मैरिनेशन में डाल रखा है, और ये थोड़ा सा बिरयानी पाउडर। ये गया थोड़ा सा बिरयानी पाउडर। आप लोगों को तो लाइफ मतलब रातों रात एकदम चेंज हो गया होगा, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल जॉब में है, जॉब में जाना और अब सडनली सब कुछ चेंज। सर अर्श से फर्श पे आए हैं, अब फर्श से अर्श पे जाना है। क्या बात है। जाएगा थोड़ा सा पानी। अच्छा, ये चावल को पहले से भिगो के रखी हुई है? हाँ। तेजपत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी, स्टार फर्स्ट, जावित्री, लौंग, गोलमरीच और छोटी इलायची, सारा इस पे आ जाता है। नेक्स्ट गया थोड़ा सा ऊपर से नमक। घी सर हमारा घर का ही बना हुआ है। खुद घी भी खुद से बनता है? हाँ, अच्छा। सर जो दूध हम उबालते हैं, छालियाँ निकलती हैं, उसको हम खाते नहीं सर, हालांकि हमें बहुत पसंद है। हाँ हाँ। बट छाली को सर खुद से हम प्रिजर्व करते हैं सो दैट उसका हम घी बना सके, क्योंकि आजकल सर बहुत सारे मिक्स आ चुके हैं सर, घी में भी प्योर क्वालिटी की घी नहीं मिलती है, तो इस वजह से हम खुद से बनाते हैं सो दैट कहीं भी खाने में सर कॉम्प्रोमाइज ना मिले, सेहत मिले लोगों को जो भी। मतलब घी भी यहाँ खुद से बनाया जा रहा है? क्या बात है। हम लोग बनाते ही ऐसे है सर कि हम लोग खुद ही खा रहे हो, तो ऐसे हम लोग सर्व करना भी पसंद करते हैं। मसाला सारा खुद से भूज के मैं मतलब पीसती हूँ घर में ही सारा। खड़ा मसाला? हाँ, सारा खड़ा मसाला, बिरयानी मसाला भी, हल्दी भी, मिर्च भी, धनिया भी, सब कुछ। लगभग 20 मिनट तक प्याज को इस तरीके से भुना गया है, और अब नेक्स्ट क्या करना है? सर अब इसमें चिकन डालेंगे। चिकन डालना है, जो मैरिनेटेड चिकन है उसको इसमें डाल रहे हैं। उधर चिकन को मैरिनेट करके रखा गया था, मैरिनेशन भी आपको दिखाए थे, और अब नेक्स्ट चिकन को डाला जा रहा है इस प्याज में। अब जाएगा थोड़ा सा मसाले वाला पानी। जी हाँ सर। अब नेक्स्ट इसको इस तरह से कवर करके अच्छे से पकाना है। लगभग 25 मिनट का समय जो है बीत चुका है, और चिकन देखने में बहुत सही से लग रहा है। तो चिकन अब हमको लगता है कि रेडी हो गया है। हाँ रेडी हो गया है चिकन, अब बस चावल लगेगा। अच्छा, ये चिकन तो हमको देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब ये नॉर्मली ऐसे भी रोटी के साथ खाया जा सकता है, भुना हुआ चिकन जैसा हो गया है। ऐसे ऑर्डर्स भी मिल जाते हैं सर हमें मोहल्ले में। अच्छा, मिल जाते हैं ऑर्डर्स? हाँ, बहुत ऑर्डर्स मिलते हैं। मोहल्ले वाले लोग को खुशबू आता होगा चिकन बनते हुए, तो वो लोग ऑर्डर करते होंगे। वो बोलते हैं जब आप बिरयानी बना रहे हो, स्पेशली चिकन तो आप बनाते नहीं, तो बिरयानी जब बना रहे होते हो तो उसी में से चिकन के पीसेस हमें दे दिया करो। नहीं, चिकन का पीस बहुत सही लग रहा है देखने में ही, प्रॉपर जैसा हम लोग खाते हैं वैसा। और आप लोग बताएं कि थोड़ा स्पाइसी भी है? जी हाँ सर, स्पाइसी सीसी निकलेगी मुँह से सर। बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं था हैबिट, बट घर का खाना बन जाता तो वही काफी रहता था। अच्छा, तो अब तो आदत हो गई हम लोगों को बनाते। अब तो हर रोज इस तरह से चिकन बनाना पड़ता होगा, वो भी बल्क क्वांटिटी में। 8 बजे से लेके रात के 12 बजे तक हमारा यही खाने बनाने का रूटीन रहता है और खाना खिलाने का। मतलब सुबह के 8 बजे से आप लोग इस काम में लग जाती हैं? सुबह से ड्यूटी मेरी स्टार्ट होती है जहाँ पे मुझे चिकन लाना और मैरिनेट करना पड़ता है। हाँ हाँ। और उसके बाद मैम का काम शुरू हो जाता है। पहले मुझे घर का खाना बना के साइड कर देना होता है, फिर अच्छा। मैं फिर इसमें लग जाती हूँ। ये आप लोग बताएं कि सब कुछ सेपरेट आप लोग रखती हैं? हाँ, सब कुछ सेपरेट है मेरा। अच्छा, और एक प्रॉपर जो रूम है डेडिकेटेड है इसी पर्पज के लिए? एक रूम सर दे दिया है, सो दैट जैसा घर में सर पेट भी है तो उसका इस रूम में एंट्री अलाउड नहीं है। अच्छा, और डेडिकेटेड एक रूम रख लिया है सो दैट सारा मसाला वसाला सब इसी रूम में रहता है, ताकि किचन से कुछ लाने की जरूरत। आप लोग ये 2 BHK का एक फ्लैट था जिसमें कि आप लोग अब एक रूम को डेडिकेट कर दिए हैं चिकन बनाने के पर्पज के लिए। जी हाँ सर, ये सब भी मतलब लाइफ में ये सब सडन चेंजेस। बिल्कुल सर, अभी पहले क्या था सर कि कोई भी गेस्ट आए तो इसी रूम में उनका सोना होता था। गेस्ट रूम हो गया था। बट अच्छा। अभी क्या है सर कि इस रूम में आने के लिए भी सर एक बार को सोचना पड़ता है कि हाँ मतलब हाँ, ये टोटल अब ये रूम पूरा कमर्शियल पर्पस के लिए हो गया है। जी जी सर, सारा जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह सब प्रॉपर जैसा कमर्शियल पर्पस में यूज होता है, रेस्टोरेंट होटल में यूज होता है, वैसे ही रखे हैं। चिकन जो है वो रेडी हो चुका है, उसे कर दिया गया है साइड और अब नेक्स्ट चावल बनने वाला है। एक बार जब चावल रेडी हो जाए उसके बाद जो दम लगने वाला प्रोसेस है वो दिखाएंगे। चावल जो है ये रेडी हो चुका है और कितना इसको अभी रेडी किया गया? 70% सर, 70% चावल रेडी हो गया है। अच्छा। और अभी जब दम लगाएंगे तो रिमेनिंग पूरा पक जाएगा साथ में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होने वाला है? इसमें हम घी डाल रहे हैं सर। ये हांडी में जा रहा है घी, और घी भी ये कोई मामूली घी नहीं है, कोई मार्केट वाला घी नहीं है, ये घी को भी यहीं पर तैयार किया जाता है। चावल इसके ऊपर से एक तरी चावल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट ऊपर से जा रहा है थोड़ा सा फ्राइड अनियन हो गया और धनिया पत्ता। हाँ, थोड़ा पुदीना पत्ता आप लोग यूज नहीं करती हैं? नहीं। क्या गया? बिरयानी मसाला थोड़ा सा। अच्छा, बिरयानी मसाला, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके ऊपर जाने वाला है चिकन, और चिकन नॉर्मली भी अगर आपको खाना है करी के फॉर्म में खाना तो भी आप खा सकते हैं, प्री ऑर्डर करना पड़ेगा। अवेलेबल आपको बिरयानी मिलेगा बट चिकन भी आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं। चिकन जो है वो गया, अब फिर से ऊपर जा रहा है एक लेयर राइस चावल, बिरयानी पाउडर थोड़ा सा, थोड़ा सा फ्राइड अनियन और फिर धनिया पत्ता। अब वापस से गया है एक लेयर चिकन का और अब फिर से जा रहा है राइस। ये गया थोड़ा सा गुलाब जल और अब जाएगा थोड़ा सा केवरा वाटर। केवरा वाटर 15 से 20 मिनट 15-20 मिनट में तैयार रेडी हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा दम का काम करता है। एक और अच्छा, डंबल का यूज इसमें किया जा रहा है, मतलब सब कुछ जुगाड़ करके यूज किया गया है। जी। और को भी लगता है कि आप इसी पर्पस के लिए कस्टमाइज कर लिए एकदम? जी हाँ सर, जरूरत के हिसाब से इसको अभी चेंज किया है। फूड कार्ट लेने से पहले सोचा पहले खुद की गाड़ी को यूज कर लेते हैं, और अगर सब सक्सेस रहता है तो फिर प्रॉपरली फूड कार्ट में इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, तो आप गाड़ी भी अंदर देख सकते हैं, दो सीट जो था अंदर का, जो पीछे वाला सीट था उसे हटा दिया गया है और सारा जो सामान जो बना है सब इसी में लोड हो रहा है। इसी कार से जाते हैं मरीन ड्राइव। हम लोग के लिए बहुत इजी था कि हम लोग सीधे इनका जो सेटअप जहाँ लगता है वहाँ जाए, खाए, रिव्यू करें, वीडियो भी छोटा होता, आप लोग भी इंजॉय करते, व्यूज़ भी ज़्यादा जाता छोटा होने की वजह से। बट सारा जो मेहनत हम लोग की है दिन भर इनके घर में जाके सारा कुछ शूट किया, इसका एक ही पर्पस था कि आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो अच्छे घर में रहते होंगे, प्रॉपर फ्लैट में रहते होंगे, बट हेजिटेट कर रहे होंगे कि कैसे सड़क पर जाए, कैसे बचे। आपके अंदर से दिल कर रहा होगा, इंटरेस्ट होगा या मजबूरी होगा या जो भी रीज़न होगा, आपका भी मन करता होगा ऐसा हम भी कुछ करें, बट वो एक जो इनिशियल पुश होता है वो नहीं मिल रहा होगा, आइडिया नहीं मिल रहा होगा कैसे किया जाए, क्या किया जाए। तो ये थोड़ा आइडिया आपको लगे कि कैसे दूसरे लोग इस काम को कर रहे हैं, कैसे अपने घर को ही एक तरह से ये कन्वर्ट कर दिया, किचन में एक रूम डेडिकेट कर दिया, तो ये सारा आइडिया आप लोग को लगे, थोड़ा आप लोग को भी जो बिहाइंड द सीन वाला चीज़ होता है जो सड़क पर लोग बेच रहे हैं बट उसके पीछे क्या कहानी चल रहा है, कितना मेहनत चल रहा है, वो आपको दिखाया जा सके। बस यही एक पर्पस था, इतना सब कुछ जो हम लोग एफर्ट किए हैं उसका। अब हम लोग आ चुके हैं लोकेशन पर, कार जो है आ गया, सारा सामान जो है इसी में रहता है, और इधर देख सकते हैं कि सब कुछ सेटअप वेटअप जो वो किया जा रहा है, और एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपको बताए तो उधर देखिए वो चिमनी है, चिमनी के बिल्कुल सामने है, मतलब गोलंबर से आप 200 मीटर आगे की ओर बढ़िएगा, जो मरीन ड्राइव वाला उधर गोलंबर है, 200 मीटर आगे की ओर बढ़िए, उधर आपको वो चिमनी दिखेगा, सनसेट होता हुआ दिखेगा अगर आप शाम के समय आते हैं तो, और बिल्कुल सामने में आपको ये जो लोकेशन है ये मिल जाएगा। हम जा रहे थे आपको देखे। हाँ, आपका सब वीडियो देखते, सचिवालय वाला देखे थे, दिल्ली वाला भी देखे थे, जयपुर में गए थे उसका भी देखे थे। अच्छा लगा था सब वीडियो? बहुत बढ़िया लगा था वीडियो भैया, धन्यवाद। वीडियो में आ जाएंगे ऑन द क्या? आ गया वीडियो में। इनका वीडियो बहुत बढ़िया रहता है, इनका जितना भी ब्लॉग रहता है भैया का इतना मस्त रहता है, हमको लगता है ये बिहार का नंबर 1 ब्लॉगर है फूड में,
और इनका जितना भी ब्लॉगर रहता है वो गरीब आदमी को नीचे से ऊपरे तक उठाते हैं, और हर बहुत सा जो नीचे दबका के हैं, जो जिनका स्ट्रीट वेंडर है उनको नहीं कुछ कोई देखता है, उनको ये दिखाते हैं, उनको नीचे से ऊपर उठाते हैं। ये बिहार का नंबर वन ब्लॉगर है अभी कहा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा लगा मिलकर। सेल्फी लेते हैं सर, ले लीजिए। हम लोग का पेट भर गया। ये तो बिरयानी खिलाते हैं, बिरयानी का हम शूट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत हम मिल गए। हम देखे जा रहे थे, देखे तो हम कहे लोग ऐसे ही मिलते रहते हैं, अचानक देख लेते हैं, मिल जाते हैं। हमको बहुत अच्छा लगा। दिल्ली के अभी जो गए थे तो मटन वाला जो हम देखे, और सचिवालय के इधर बनाए हैं, फिर इधर आपका बर्थडे पार्टी था तो गरीब में बर्थडे, सबको हमको वो अच्छा लगता है। बहुत अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मरीन ड्राइव पर। सारा जो बिरयानी का प्रोसेस, बिरयानी को बनाने का प्रोसेस आपको दिखाया। वापस यहां पहुंच चुके हैं कार में ही, जो सारा सेटअप वेटअप है वो आता है। और उधर देख सकते हैं कैनोपी लगा के, मतलब कोई प्रॉपर कार्ट भी है, लोग अभी लिए नहीं है, कैनोपी है, और इसी में सारा कुछ जो है वो बेचा जाता है। बाहर में जो है वो कबाब वाला सेटअप है, और इधर देख सकते हैं कि सारा काम वाम जो है वो चल रहा है। बस अब स्टार्ट होने वाला है। हाँ, बस 10 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा। 10 मिनट और लगेगा समय। इधर देख सकते हैं कि बिरयानी का अनबॉक्सिंग जो है अब किया जा रहा है। सीधे यहीं पर इसे ओपन करते हैं, और ये देखिए गर्मा गर्म बिरयानी ठंड के मौसम। 80 रुपये वाला प्लेट है, जो हाफ प्लेट है वो हम लोग निकलवा के आपको क्वान्टिटी दिखाते हैं कि 80 रुपये में आपको क्या मिलने वाला है। ये आ गया एक पीस चिकन, और अब जा रहा है राइस, और बहुत ही बेहतरीन सा खुशबू आ रहा है इस बिरयानी में से। ये नीचे जो है सारा मसाला छुपा हुआ है, थोड़ा सा राइस गया है और नीचे से ये मसाला जो है ये आ रहा है। भैया 80 रुपीज़ में ये क्वांटिटी देते हैं आप लोग? जी। नेक्स्ट इस गर्मा गर्म बिरयानी में डाला जाएगा बूंदी रायता, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री है। धनिया पत्ता, टमाटर और हरी मिर्च। ठीक है, तो ये 80 रुपये का प्लेट हो गया तैयार। इधर आ चुका है हमारा गर्मा गर्म बिरयानी, एक लग पीस एक्स्ट्रा ले लिए ऊपर से, वैसे ही इसे हटा दो तो 80 रुपये का ये पूरा प्लेट है। इसे डाल दे तो हमको नहीं पता कितना रेट है, फुल प्लेट 150 का है, तो राइस भी बढ़ जाएगा साथ ही साथ एक लग पीस भी एक्स्ट्रा मिलेगा। टेस्ट किया जाए बिरयानी को, बहुत देर मेकिंग देखें, भूख बहुत ज़्यादा लग। सबसे पहले जो राइस है इसे टेस्ट करते हैं, और देखिए मसालेदार है, मतलब ये चिकन जो है ये मसालेदार है, पूरा जो है मसाला इसके ऊपर लगा हुआ। तो वो लोग बता भी रहे थे मेकिंग के टाइम पे कि थोड़ा मसालेदार बिरयानी रहता है, और हम लोग भी मसालेदार खाने वाले लोग हैं। राइस को टेस्ट करते हैं सबसे पहले। बिरयानी बिल्कुल मसालेदार, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा मसाला है, और हम लोग पसंद भी करते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा मसाला। ये खड़ा जो गोलकी वोलकी है ये डाला गया है, और बहुत सही स्वाद आ रहा है, बहुत सही, 80 रुपये के हिसाब से बहुत सही स्वाद। कोई कोलकाता बिरयानी ये है नहीं, समझिए कि हैदराबादी टाइप का है, वो वाला फील आ रहा है, बस पुदीना का कमी है। और राइस देखिए, राइस का क्वालिटी देखिए, एकदम खिला खिला चावल, बहुत बेहतरीन लगा। ये मसालेदार सा चिकन, ये लेग को ट्राई करते हैं। इसे आप कोई भी बिरयानी कहिए, नाम से फ़र्क नहीं पड़ता है, कोलकाता बिरयानी तो है नहीं, हैदराबादी भी एग्जैक्टली है नहीं, जो भी है बिहारी बिरयानी कहिए। बहुत सही टेस्ट लगा, मसालेदार, मसाले का भरपूर इस्तेमाल, राइस खिला खिला, और दोनों का कॉम्बिनेशन जब मिल रहा है तो सही सा स्वाद आ रहा है, और हम जैसा लोग पसंद, मतलब बिहार के लोग जैसा पसंद करते हैं वैसा स्वाद आ रहा है। चिकन भी बहुत सही साइज़ का है, और एकदम अच्छे से पका हुआ है, सॉफ्ट सा है। मज़ा आ गया इस बिरयानी को खा के, मज़ा आ गया ठंड के मौसम में, मज़ा आ गया बिरयानी को खा के। वाह, कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब तो दिया गया रायता वायता, कोई ज़रूरत ही नहीं है इसका, ये अपने में अल्टीमेट सा फ्लेवर दे रहा है। तो चले बिरयानी को इंजॉय करते हैं, उसके बाद मिलते हैं, थोड़ा टिक्का शिक्का जो है वो दिखाते हैं। ज़बरदस्त है बिरयानी, ज़बरदस्त। तो बिरयानी हम लोग खा चुके हैं, बहुत सही सा बिरयानी था, और मसालेदार स्पाइसी बिरयानी था। तो आप वो कोलकाता वाला उम्मीद लेके यहाँ मत आइएगा, यहाँ आइएगा मसालेदार बिरयानी खाने के लिए। और यार देख सकते हैं माहौल भी पूरा बना हुआ है, गाना वाना का भी व्यवस्था है, तो आइएगा तो गाना वाना सुनते हुए, पूरा माहौल सेट है, मतलब बहुत सही सा वाइब है यहाँ का। आइए गाना वाना सुनते हुए बिरयानी को खाइए, और अब हम लोग थोड़ा सा ये कबाब जो है वो ट्राई करते हैं, फिर वीडियो को करेंगे ख़त्म। देख सकते हैं कि पनीर टिक्का है, नेक्स्ट एग टिक्का, मतलब बहुत यूनिक सा चीज़ है ये, एग टिक्का कहीं नहीं देखे थे।
70 रुपीज में 4 पीस। अच्छा 40 का दो हाफ। हाँ 40 का दो एग और 70 का फोर एग। इधर आ चुका है हमारा लेग कबाब, साथ ही बैकग्राउंड में म्यूजिक व्यूजिक जो है बज रहा है, माहौल सेट है, ठंड लग रहा है, हवा चल रहा है और अब ये लेग खाते हैं। बिल्कुल जूसी सा लेग है, एकदम सॉफ्ट प्रॉपर मैरिनेट किया गया है और लेग बिरयानी इतना मसालेदार तो उतना मसालेदार लेग नहीं है, ये बैलेंस साइड में बिरयानी पूरा स्पाइसी था, मतलब स्पाइसी अगर आप पसंद करते हैं तो मज़ा आ जाएगा आपको बिरयानी खा के। कोई वो फ्लेवर वो एसेंस वेसेंस का स्ट्रॉन्ग सर टेस्ट नहीं, डाले वो थे बट कोई फील नहीं हो रहा था। लेग भी बहुत जूसी है, बहुत जूसी है। बहुत सही है। अब ये ट्राई करते हैं एक टिक्का, लेग का रेट है 50 रुपए एक का, दो ये लोग देते हैं 100 में 2। अब जो है ये यूनिक सा एग टिक्का इसे ट्राई किया जाए। सेम मसाला वही नॉर्मल टेस्ट था, बस डिफरेंस ये एक अंडा है। ये खा के मजा आ गया, ये लेग का बहुत जूसी सा है, पूरा टाइम देके मैरिनेट किया गया है, टाइम देके पकाया गया है, दिल खुश हो जाएगा खा के। ख़त्म करते हैं वीडियो, जरूर आइएगा ये जगह, हाईली रिकमेंडेड जगह में से एक ये जगह है, तो आइएगा जरूर और आके अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इनका जो जज्बा है इसके लिए भी आपका आना बनता है, मतलब 1 लाख रुपये से ज़्यादा महीना का कमा रहे थे, आज उस फील्ड में नहीं जाके सब कुछ चेंज करके जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं, तो सपोर्ट करना बनता है और टेस्ट में वो बात है कि आप सपोर्ट आके करें। अगर टेस्ट में वो बात नहीं होता तो सिर्फ सपोर्ट के लिए हम बोलते भी नहीं, बट टेस्ट में वो बात है कि आपका आना यहाँ वर्थ रहेगा, आके ये खाना आपका वर्थ रहेगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दिए हैं, कोई दिक्कत है आप बात कर सकते हैं। ख़त्म करते हैं वीडियो, थैंक यू सो मच।